नेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने रविवार को विजयवाड़ा कोर्ट में पेश किया। 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में नायडू को शनिवार सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया गया था। उनसे कल 10 घंटे की पूछताछ भी हुई थी। चंद्रबाबू नायडू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने चंद्रबाबू को राजनीतिक फायदे के लिए गलत आरोपों में फंसाया। इस दौरान कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर तेलुगु देशम पार्टी के समर्थक भारी संख्या में उपस्थित रहे। वे राज्य के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगमोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले शनिवार देर रात अभिनेता और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया। राज्य सरकार के विरोध में वे अपने समर्थकों के साथ विजयवाड़ा जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका। विरोध में वे सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें एहतियात हिरासत में ले लिया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।